खेलो इंडिया का आज आयोजन हो रहा है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। शीतकालीन खेलों की यहां पर आज शुरुआत होनी है। उपराज्यपाल बी डी मिश्रा आज इसका उद्घाटन करेंगे। भारी संख्या में यहां पर खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, तैयारियां तेज कर दी गई हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन उद्घाटन समारोह यहां पर है। मोरूप सेंजन हमारे सहयोगी ले से ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मोरूप, कितने बजे उद्घाटन समारोह आयोजित होना है और कैसी तैयारियां हैं? आपके पीछे मैं तस्वीरें भी देख पा रही हूं, तस्वीर भी साझा करें और जानकारियां भी मोरूप। जी हाँ जस्मिन, इस वक्त मैं एनडीएस आइस हॉकी रिंग में मौजूद हूँ। यहाँ पर 11 बजे करीब यहाँ पर लद्दाख के एलजी द्वारा ये खेलो इंडिया गेम उद्घाटन करने वाला है। पहले जो एमओएस स्पोर्ट्स आने का वो था, प्रोग्राम था, लेकिन वो अंत में कैंसिल हो गया। तो काफ़ी स्टेट से यहाँ पर आया हुआ है। हम डिटेल में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ऑफिसर है मेरे साथ श्रिंग टैसी, उन्हीं से पूछेंगे। सर, आज से खेलो इंडिया स्टार्ट हो रहा है और कहाँ कहाँ से कितने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, इसके लिए कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? जी, सबसे पहले कि एक लद्दाख के लिए खुशी की बात है कि फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स आइस का जो पार्ट है वो ले में होने जा रहे हैं आज से। और इस इवेंट में जो आइस हॉकी और आइस स्केटिंग का इवेंट है, दो इवेंट है और इसके लिए तीन वेन्यू कर रखे हैं। जो ये एक मेन इंडियस आइस हॉकी रिंग है, ये मेन इवेंट है, और इसके बाद गुपुक्स पॉन्ड है जिसपे स्पीड स्केटिंग होंगे, और उसके बाद नज़दीक में एक लद्दाख स्कोर के एक आइस हॉकी रिंग है, वहाँ पे भी आइस हॉकी रिंग खिलाया जाएगा। जी जी जस्मिन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेचुरल आइस हॉकी रिंग बना है यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज चल भी रहा है। तो मैं आपको कुछ और लोगों से बात कराने की कोशिश कराता हूँ। यहाँ काफी स्टेट से भी आया है। हाँ। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी यहाँ भी है, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप लोगों का नाम? रिद्धि। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? हम हरियाणा से आए हैं। अच्छा, क्या लद्दाख में फर्स्ट टाइम आए? ये हाँ, फर्स्ट टाइम आए। तो कैसा इस वक्त माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, कैसा? ऐसा आपने पहले भी एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत ठंडी सिर्फ लग रही है, कुछ हाथ पैर जम जाते हैं। तो आप किस में पार्टिसिपेट करने वाले? अंडर 17। अच्छा, आपकी हरियाणा से कितने टीम आए हैं यहाँ पर? हम हरियाणा से कम okay, 10 लोग आए हैं। तो जी जस्मिन, आपने सुना कि हर स्टेट से आया लगभग, यहाँ हमें बताया गया 14-15 स्टेट से आया, लगभग 600 की करीब एथलीट आया, तो बहुत रोमांचक होने वाला है 11 बजे। अभी धीरे धीरे दर्शक भी आना शुरू हो गया। मैं कैमरामैन सोनम से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी थोड़ा कुछ एक्टिविटीज चल रहे वो दिखाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन का ये उद्घाटन समारोह है। अब से कुछ ही देर बाद उपराज्यपाल बी डी मिश्रा यहाँ पहुंचेंगे और इसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। मोरूप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। मोरूप, क्या आंकड़ा बता पाएंगे कि कितने एथलीट्स यहाँ पर पहुंचे हुए, कितने खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए? जी, हमें बताया गया है कि लगभग जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें बताया गया लगभग 600 के करीब आया। हालांकि एग्जैक्ट कितना है हम दोबारा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर श्रिंग टैसी साहब के पास करेंगे। सर, इसमें ये लद्दाख में फर्स्ट टाइम हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो इसमें कितना स्टेट से कितने पार्टिसिपेट लगभग आया है? जी, इसमें लगभग 15 स्टेट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मेन लद्दाख के है एक मेन्स और वुमेन्स की टीम। इसके अलावा लद्दाख से ही जो आर्मी का टीम है वो लद्दाख के लद्दाख स्कोर ही रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अलावा आईटीबीपी के एक टीम है वो भी मोस्टली लद्दाख से ही है, और बाकी जो 12 टीम है वो बाहर से आए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो स्पीड स्केटिंग के टीम से उसमें 12 टीम लगभग बाहर से आ रहे हैं। जी सर, ये आइस हॉकी हमारा बहुत पॉपुलर गेम है, ये फर्स्ट टाइम विंटर खेलो विंटर गेम्स में शामिल किया गया? जी, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स असल में ये फोर्थ एडिशन है, जो पिछले 3 एडिशन गुलमर्ग में कश्मीर में हुआ था। तो ये फोर्थ एडिशन का जो आइस पार्ट है वो ले में हो रहा है, बाकी जो स्नो पार्ट है वो गुलमर्ग में होंगे। जी जी जस्मिन, तो आपने सुना यहाँ पर 2 तारीख यानी आज से 6 तारीख तक यहाँ पर होगा, उसके बाद गुलमर्ग में होगा। तो
काफी यहाँ पर लोग उत्सव है, काफी दिनों से तैयारी कर रहा है, तो जो जो आइस हॉकी रिंग है यहाँ पर एनडीएस में, यहाँ थोड़ी देर में 11 बजे करीब उद्घाटन होने वाला है, उसके बाद से इवेंट है और दो जगह पर होंगे, एक गुफुक से एक आर्मी के जो आइस हॉकी रिंग फ्यांग है वहाँ पर एक्टिविटीज होंगे। जी जैस्मिन, साथ ही मोरूप, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में अलग अलग इलाकों से खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में उनके ठहरने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, इसका जिम्मा प्रशासन के ऊपर है, किस तरह से उसका निर्वहन किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर खिलाड़ियों को कोई असुविधा ना हो, कोई डिफिकल्टीज ना हो, उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मोरू जी जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सारे इंतजाम किया हुआ है, काफ़ी दिनों से इसके पास तैयारी कर रहा है, उसके साथ हमारा हिल काउंसिल भी है, उसकी तरह हमारा काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं वो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, वो सब की तरफ से इनका व्यवस्था किया गया। आपको बता दूं कि लद्दाख में इस बार बर्फबारी ना होने के कारण टेम्परेचर में भी गिरावट था, लेकिन आज थोड़ा ठंड है, वो अच्छी बात है, क्योंकि जो जो आर्टिफिशियल जो नेचुरल आइस हॉकी रिंग बनाया है इसके लिए थोड़ा पिघलने का डर रहता था, लेकिन आज टेम्परेचर में गिरावट आया तो वो भी अच्छी बात है। हालांकि जो खिलाड़ी बहुत दूर दूर से आए उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल थोड़ा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतनी लो लेवल से यहाँ हाई एल्टीट्यूड पे और इतना ठंड भी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनकी पूरा व्यवस्था किया हुआ, उनको दो तीन दिन पहले एडवांस में बुलाया था कि यहाँ पर लद्दाख के जो आवाज़ के साथ उनका एक्लिमेटाइज हो जाए। जी जस्ट बिल्कुल बिल्कुल मोरूप, तो इंतजार है यहाँ पर उपराज्यपाल बीडी मिश्रा जब पहुंचेंगे और औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन करेंगे। आप नजर बना के रखें मोरूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।